आप सबको कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स चाहिए होंगे जिससे हम हमारे स्कूल के होम एग्जामिनेशन में भी अच्छे नंबर स्कोर कर सके क्योंकि आप सबको पता है कि इंटरनल जो आपके असेसमेंट होते हैं जिसमें आपके बीस नंबर है पूरे पूरे उसमें से कहीं ना कहीं आपके ये प्री बोर्ड का भी हाथ है कि एक्स्ट्रा नंबर वहां पर मिल सकते हैं सो so, अपनी स्कूल टीचर्स को भी इंप्रेस करके रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए बोर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस देना एंड लेट मी टेल यू अपने बोर्ड के एक्सपीरियंस से

चलिए आप कम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वैसे ही टाइम बहुत कम है एग्जाम्स आने वाले हैं है। आप फालतू और चपर चपर कर रहे हो लेट्स नंबर विद्स उट करेंगे साथ साथ तो चाहे वो राइटिंग सेक्शन का हो या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का हो एंड अगर आप प्रीवाई क्यूज में भी ना आपको जो लास्ट के टू थ्री ईयर रहे हैं ना उनपे ज्यादा ध्यान देना स्पेशली जो लास्ट ईयर के रहे हैं बिकॉज वहां से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन क्वेश्चंस पक्का आउट कराएंगे क्योंकि हर टीचर यही करती है अपना क्वेश्चन पेपर बनाते हुए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस बार के सैंपल पेपर से और कुछ ना कुछ क्वेश्चन पिछली बार के पीवाईक्यू से और अगर वो डिट्टो क्वेश्चन ना भी दे तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सेम क्वेश्चन ही देते हैं बस वर्ड्स का हेयर फेयर कर देते हैं सो प्लीज कीप इन आई आउट फॉर ऑल ऑफ दीस थिंग्स नेक्स्ट वन करना कुछ नहीं है अपनी टीचर से पूछ लो भाई कौन सी हमारी को जरूरत है अगर अभी तक उन्होंने बोला नहीं है या अगर आप ऑलरेडी नोटिस कर चुके हो कि कौन सी रेफरेंस बुक आपकी टीचर कैरी करते हैं तो एग्जाम्स अपने मार्केट में जाके एग्जाम के लिए वो बुक बुक लेकर या फिर Amazon से मंगवा लो बिकॉज़ ऑलमोस्ट सारी सारी की बुक्स आपको Amazon पे मिल जाती जाती हैं बहुत जल्दी डिलीवरी भी हो बट रेफरेंस बुक को पक्का उठा के देगी बिल्कुल दावा है. लेस ये गलती हर बच्चा करेगा वो सोचेगा कि में सारा आ रहा है किसी भी बच्चे का सारा सारे सारे टेल यू ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है बिकॉज इसके चक्कर में आप किसी भी टॉपिक को इनफ अटेंशन नहीं दे पाओगे तो करना क्या है कि आप सबसे पहले तो अपने वो टॉपिक्स निकालो जो आपको ऑलरेडी पता है कि

do not try to you know cover the entire syllabus within just one day or a few इससे आपको कुछ भी अच्छे से याद नहीं रहेगा और फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गलती जरूर कर दोगे doge so 50% को अपना 100% do दो rather than 100% ko apna को अपना dekhna परसेंट दो देखना आप ज्यादा मार्क्स तब स्कोर करोगे जब आप कम चीजों पे अच्छे से फोकस करके जाओगे बिकॉज फिर वो नंबर आपके कहीं नहीं घट सकते सो डू ट्राई द स्ट्रेटेजी ंग ऑन रेफर टू प्रीवियस ईयर्स प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स अपने सीनियर्स के पास जाओ ठीक है उनसे बोलो कि आपके पास क्या पिछले साल के प्री बोर्ड के पेपर्स के वो क्वेश्चन पेपर्स बचे हैं अगर नहीं हैं तो एटलीस्ट आस्क देम टू टेल यू ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यू नो क्वेश्चन जो कि उन्हें अपने एग्जाम्स में डेफिनेटली दिखे हों याद हों बिकॉज ट्रस्ट भी हर टीचर का एक पैटर्न होता है और हर टीचर की टेंडेंसी होती है कि वो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिस दे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो जरूर रिपीट करें सो प्लीज प्री बोर्ड्स के पेपर्स अगर क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट कर सकते हो सीनियर से तो कर लो नहीं कर सकते तो उनको रीच आउट करके उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर नोट डाउन करवा लेना देखना आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा मूविंग ऑन मेक श्योर टू प्रैक्टिस द रिवीजन एंड क्लास टेस्ट क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड्स के एक या दो हफ्ते पहले एटलीस्ट आपकी टीचर्स जो है रिविजन टेस्ट स्टार्ट करा देंगे जहां पे वो लगातार उनको अच्छे से सेव से करके रखना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मिडिल पेज में टेस्ट करते हैं फिर वो मिडिल पेज को कभी सेव ही नहीं करते डोंट डू दैट मेक अ सेपरेट टेस्ट कॉपी और वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से करके जाना बिकॉज उसमें से

एग्जाम्स को लेकर सीरियस हो मेहनत कर रहे हो एंड वाइल चेकिंग योर पेपर शीट और ही वुड कीप दैट इन माइंड एंड मे बी बी एल रिलीनियन टूवर्ड्स यू सो प्लीज डू फॉलो दीज टिप्स और आई के रोज नेक्स्ट वन स में पक्का ना कोई ना कोई चैप्टर पढ़ाते हुए है बोलते हैं अरे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अरे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अरे ये चैप्टर तू तो देखना पक्का तुम्हारे एग्जाम में आएगा सो so, ऐसी चीजें जब भी आपके टीचर बोले उसको उसी टाइम पे हाईलाइट कर लो याद रख लो ताकि एग्जाम के लिए जब पढ़ो तो आप उन क्वेश्चन को उन चैप्टर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस दो सो so, दैट अगर आपके टीचर्स वहां से कोई क्वेश्चन दें जो कि अक्सर होता भी है तो आप उन क्वेश्चन गलती ना करो वेन एवर योर टीचर इज इंपॉर्टेंट पे अटेंशन टू देम हो सके तो उनसे पूछो कि मैम इस टॉपिक से कौन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हो सकता है कि आप वहीं पर कोई ना कोई क्वेश्चन उनके मुंह से निकलवा लो जो आपके एग्जाम में आ रहा हो Alright kiddos. So ba that's it. These were all the tips that I had in store for you, and I really, really hope that they help them help you out as well, provided you do try them and follow them. And bacha Badi, if you see amazing, amazing videos reminders, BTS, notes. So everything is available out there on our telegram channel. And the link for the same is also given in the description box. Additionally, if you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well.